चलिए भाई ये बताइए कि कौन से क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई, बताइए भाई कौन से क्वेश्चन। थोड़ा सा फिर से बोलिए एक बार दीपक भाई। अच्छा ठीक है, 6.2 का सेकेंड। अच्छा, ठीक है भैया, 6.2 का सेकेंड। एक मिनट इसको ओपन कर ले नोट को। डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, डिटरमाइन द नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0-0 ऑफ द सिस्टम। इसका सेकेंड वाला जो है आपका कह रहा है डिटरमाइन नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0-0। ठीक है, आपको क्रिटिकल पॉइंट का नेचर निकालना है और सिस्टम क्या दिया आपको, डीएक्स बाई डी टी इक्वल साइन एक्स माइनस 4 वाई। इसको 4 वाई माइनस लिख ले फिर प्लस का साइन एक्स कर दे रहे हम। चलो फिर आगे लिखा हुआ है डी वाई बाई डी टी इक्वल माइनस का वो साइन 2x माइनस 5 वाई। इसमें माइनस का 5 वाई पहले कर ले रहे हैं, साइन 2x बाद में कर ले रहे हैं, ये चीज लिखा हुआ। ठीक है, और फिर बताना है डिटरमाइंड वेदर और नॉट द पॉइंट इज स्टेबल। उसके बाद आपको बताना है कि ये पॉइंट स्टेबल है या नहीं है। चलिए करते हैं हम लोग, एक सेकेंड टाइम देना जरा। चलिए करते हैं भाई। तो पहले तो आपको मालूम ही भाई, ये जो होता है वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई वाला फॉर्म बना रहे, ए एक्स प्लस बी वाई सी एक्स प्लस डी वाई, और ये होता है पी वन, और ये होता है पी वन एक्स वाई, और ये होता है क्यू वन एक्स वाई। ठीक है, तो जरा करते हैं हम लोग इसको। तो कंपेयर कर देना जरा सा, तो ए कितना आ जाएगा 0, बी आ जाएगा माइनस 4, और सी आ जाएगा यहाँ 0, डी आ जाएगा माइनस 5, और पी वन हो जाएगा आपका यहाँ पर से साइन एक्स, क्यू वन हो जाएगा आपका साइन 2x। ठीक है, और ये डिटरमिन पहली कंडीशन होती है कि ये डिटरमिनेंट ए बी सी डी वाली निकालिए, ए बी सी डी, डी का मतलब माइनस 5। अच्छा ये 0 आ रहा है, नहीं 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 ये 0 आ रहा है तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा भाई। इसके लिए क्या मेथड था यार, एक मिनट ध्यान नहीं आ रहा क्या था। इसका मेथड भाई यहाँ पर दिया नहीं है, इसका मेथड भी दिया नहीं है, सर्च करेंगे इसका मेथड। 0 आ जाए तो इसका मेथड यहाँ पर दिया नहीं, और हमें भी शायद ध्यान नहीं आ रहा इसके टाइम क्या है, इसका मेथड यहाँ दिया नहीं, और मैं ध्यान नहीं रख क्या था, मैं जल्दी काम पड़ता नहीं है, ज्यादातर वही आते हैं एग्जाम में जो 0 नहीं आता है। एक क्वेश्चन ये दे दिया है यहाँ पर, इसको अभी रोक दो क्वेश्चन को। ठीक है, अभी रोक दो भाई, नेक्स्ट टाइम 100% को बता देंगे। 0 आ जाए वाला तो मेथड यहाँ पर दिया नहीं है, और हमें भी इतना ध्यान नहीं है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, आगे पूछिए, इसको हम मंडे खुद से बता देंगे, और पूछिए बता देंगे मंडे खुद से।
अच्छा हाँ, वो तो हमको मालूम ही नहीं आता है भाई, किसी को हम बता रहे, बिल्कुल बता रहे। चलो थ्री से स्टार्ट करते हैं, हम सिंगल करेक्ट वाले में थ्री से स्टार्ट करते हैं। गेट 2008 में आया है ये। चलो वो क्वेश्चन बता देंगे भाई, परेशान ना होना कोई, नेक्स्ट टाइम में बता देंगे मंडे को। गेट 2008 में है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि कह रहा है ए और बी जो है वो आपके आर में है, और क्या कह रहा है आपको, लेट वाई जो है वो आपको, वो इसका मतलब ये लिखा हुआ है, वाई जो है जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा है, वाई वन कॉमा वाई टू का ट्रांसपोज, वो टी लिखा है, टी का मतलब है ट्रांसपोज। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो वाई वन और यहाँ लिख सकते हो वाई टू, बात एक ही है। अच्छा भाई इसका मतलब यही होता है, ट्रांसपोज का मतलब ये अभी रो में है, अभी कॉलम में हो गया। कह रहा बी अ सॉल्यूशन, बी अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाई वन डैश इक्वल टू वाई टू और वाई टू डैश इक्वल टू ए वाई वन प्लस बी वाई टू। कह रहे एवरी सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन वाई एक्स टेंड्स टू जीरो एज एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आगे कंडीशन लिखी हम नहीं लिखेंगे वरना बोर्ड पे जगह नहीं बची क्वेश्चन करने के लिए। कह रहा वाई एक्स टेंड्स टू जीरो है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, दिया हुआ है उनका। एवरी सोल्यूशन मतलब वाई वन और वाई टू दोनों के लिए, वाई एक्स टेंड्स टू जीरो है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, फिर समझ लो भाई। कह रहा है वाई एक्स टेंड्स टू जीरो है और एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो आपसे कह रहा है कंडीशन क्या होगी। पहले पहला ऑप्शन ए जीरो से छोटा होगा, बी भी जीरो से छोटा होगा। दूसरा ऑप्शन ए जीरो से छोटा होगा, बी जीरो से बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन ए भी जीरो से बड़ा होगा, बी भी जीरो से बड़ा होगा। हम लिख दे रहे, चलो क्वेश्चन यहाँ पर हम ऑप्शन ए भी जीरो छोटा, बी भी जीरो छोटा। दूसरा ऑप्शन ए जीरो से छोटा, बी जीरो से बड़ा। तीसरा ऑप्शन ए जीरो से बड़ा, बी भी जीरो से बड़ा। चौथा ऑप्शन ए जीरो से बड़ा, बी जीरो से छोटा। ये आपके पास इतने ऑप्शंस, ये सब चीजें आपको दी हुई हैं, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग इसको करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम लोग जैसे वहां पर एक्स और वाई होता था पीछे, वैसे यहाँ पर वाई वन और वाई टू है। सॉल्व करने के बाद हम लोग वाई वन और वाई टू निकालेंगे, ठीक है। चलो करते हैं पहले हम लोग इसका काम। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई वन डैश इक्वल टू दिया है वाई टू, तो वाई वन डैश का मतलब क्या होता है पता ही भाई आपको, डी वाई वन बाई डी टी। भाई यहाँ पर टी का फंक्शन है, देखो यहाँ कुछ लिखा है टी, नहीं लिखा है तो चाहे एक्स का ले लो चाहे टी का, ठीक है आपकी मर्जी है, चाहे एक्स का फंक्शन है चाहे टी का, लेकिन हम एक्स का फंक्शन ले ले रहे हैं क्योंकि यहां पर उन्होंने दिया है एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, वाई एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब वाई वन वाई टू क्या होंगे, एक्स का फंक्शन। भाई वाई एक्स का फंक्शन है, वाई समझ रहे हो, ये वाई जो है एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन तभी होगा जब ये वाई वन और वाई टू दोनों एक्स के फंक्शन होंगे। ऐसा थोड़ी है कि वाई वन वाई टू टी का फंक्शन है और यहाँ पर वाई एक्स का फंक्शन आ जाए, कैसे पॉसिबल है, यहाँ टी के टर्म में रखो और ये वाई एक्स के टर्म में आ जाए, ये कैसे पॉसिबल है। इसका मतलब वाई वन जो है एक्स का फंक्शन है, वाई टू भी एक्स का फंक्शन है, तो वाई वन डैश का मतलब है डी वाई वन बाई डी एक्स और वाई टू ऐसे ही। दूसरी वाली इक्वेशन उठाना, दूसरी वाली इक्वेशन ये लिखी आपकी वाई टू डैश इक्वल टू ए वाई वन प्लस का बी वाई टू, वाई टू डैश का मतलब हो जाता है डी वाई टू बाई डी एक्स, और ये ऐसे ही। अब इनको सॉल्व करेंगे नॉर्मली बेसिकली जैसे मेथड होता है, ठीक है। आपको वाई टू निकाल लो पहले, या ज्यादा आसान है जब वाई वन निकाल लो पहले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, चाहे जो निकाल लो आप पहले। तो अगर वाई टू आपको निकालना है पहले, तो वाई टू की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए और यहां रख दीजिए,
वाई वन की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, वाई टू रख दीजिए, निकाल आएगा। चाहे जो पहले निकाल लो आपकी मर्जी है भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जो पहले निकाल लो आप, चाहे वाई वन पहले निकाल लो, चाहे वाई टू पहले निकाल लो, आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर वाई वन यहाँ निकालोगे तो आसान है ज्यादा, मर्जी निकाल ले रहे पहले, क्योंकि तो ये आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ये वो तो है नहीं बुक वाले, यहाँ पर तो कंडीशन सब दी हुई है। ऐसे थोड़ी क्या वाई वन पहले निकालो, वाई टू पहले निकालोगे, आंसर अलग अलग आएगा यहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ जनरल सोल्यूशन के केस में जो सी वन सी टू दिए रहते तब होता है, यहाँ पर कोई सी वन सी टू नहीं दिया हुआ है। तो यहां से हमने पहले निकाल लिया है वाई वन, तो वाई वन निकाला होगा तो ये आ जाएगा डी वाई टू बाई डी एक्स माइनस का बी वाई टू, जो आपका वन अपॉन ए, ये वाई वन हो गया, इधर आ गया, ए नीचे आ गया, यहां रख दो वाई वन। जब यहां वाई वन रख दोगे तो यहीं पर डायरेक्ट कर दो पहले एक लाइन, डी वाई वन बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, इसका ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स और एक्स के, तो वन अपॉन ए ऐसे ही यहां पर हो जाएगा डी वाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और यहां पर कितना हो जाएगा आपका वाई का बी ऐसे ही वाई का डी टू वाई बाई डी एक्स, इतना आता है भाई, थोड़ा छोटा लिख गया कोई बात नहीं, यहाँ वो खुद करना आता है। डी वाई वन बाई डी एक्स का मतलब वाई वन का डिफरेंशिएशन कर दिया दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए डी टू वाई बाई डी टू वाई टू बाई डी एक्स टू माइनस का बी डी वाई टू बाई डी एक्स माइनस का बी डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू लिखा है वाई टू। इतने में कोई दिक्कत हो बताइएगा, कर लो जरा सा एक मिनट भाई, फिल कर ले, इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह बना के वाई टू निकल आएगा आपका। क्या हुआ, हाँ पहले ही क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जा भाई, जरा इंक फिल कर ले इससे, जब तक तो सब लोग वाई टू निकाली जब तक ये सॉल्व करके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, वन अपॉन ए उधर जाएगा, ए बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका, ये कंडीशन हम पूरा सब हटा दे रहे हैं भाई, पूरा सब कुछ हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको देखना हो तो नोट्स में देखना, इतना पार्ट छोड़ के बाकी हटा दिया हमने, तो यहां से आ जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी टू वाई टू बाई डी एक्स टू डी टू वाई टू बाई डी एक्स टू, और माइनस का बी अपॉन ए है ना, ठीक है नहीं ए का उधर मल्टीप्लाई हो गया सॉरी, माइनस का बी डी टू डी वाई टू बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का ए वाई टू इक्वल टू जीरो, डी टू वाई बाई डी एक्स डी टू वाई टू बाई डी एक्स टू माइनस का बी डी टू वाई बाई डी एक्स और बराबर इतना। ठीक है कोई बात नहीं, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर, ठीक है यहाँ का कितना आ जाएगा भाई देखो जरा, यह आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस का बी डी माइनस का ए, ये लिखा है वाई टू इक्वल टू जीरो, हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का बेम बी और माइनस का ए इक्वल टू जीरो, यहाँ से एम आ जाएगा आपका कितना, एम आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर,
माइनस का 4ac, 4a ही खाली रहेगा अपॉन 2a, यानी 2 खाली रहेगा, ये m की वैल्यू आ गई है। और ये पूरा रियल है भाई, a और b आप कुछ भी रख लो, पॉजिटिव या नेगेटिव में से कुछ भी रखेंगे रियल ही आएगा पूरा ये। तो ये पूरा आपका रियल है। फिर क्या होगा, इसको एक काम कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा जरा बताना भाई। y2 बराबर c1 e की पावर, एक काम कर ले थोड़ी देर के लिए इसको ना, एक को m1 एक को m2 मान ले रहा है, बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर, दिक्कत होगी। एक को m1 मान ले रहा है ये वाला, प्लस प्लस वाला m1, कोई भी माइनस प्लस वाला कोई भी m1 मान लो, और दूसरा वाला मान लेना m2। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, थोड़ा इनमें टाइम लगेगा। चलो बस c1 e की पावर m1 x, हाँ हाँ, लेकिन एक जरूरत नहीं है फिर हम बना नहीं पाएंगे ना, हम लोग जो कह रहा है दिक्कत होगी, इसलिए नहीं करना, वो ना करिए, जो कह रहा है वो बना नहीं पाएंगे ना। चलो ये y2 बराबर आपको दे रहा है ये, ऐसे y2 की वैल्यू यहां रख दोगे, इसमें रख देना तो y1 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं, यहां रख दोगे सॉरी y2 की वैल्यू तो y1 आ जाएगा, जरूरत नहीं उसकी। अब आपको बताए, अब आपको कह रहा है x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे yx टेंड्स टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिया जाए तो yx टेंड्स टू 0 आना चाहिए। अब सुन लो जरा सा ध्यान से बात, ये नीचे हम पूरा हटा दे रहे हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे yx टेंड्स टू 0 कब पॉसिबल है पता है आपको? x टेंड्स टू इनफाइनाइट जब यहां लोगे तो e की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है, यहां भी e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, ये पूरा ये तो पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये y2 0 कैसे आएगा फिर भाई? yx इसका क्या मतलब, फिर से बोल दे रहे भाई, कह रहा yx टेंड्स टू 0 है एज x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। yx का मतलब कौन था? yx का मतलब था y1 और y2, यानी y1 और y2 0 है x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, यानी इसको अलग अलग करो, इसको अलग अलग करो, तो मतलब y1 भी टेंड्स टू 0 है, y2 भी टेंड्स टू 0 है x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। y1 और y2 टेंड्स टू 0 है x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, ये तो कह रहा आपसे, y1 और y2 टेंड्स टू 0 है x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे। अब बताओ जरा, तो y2 टेंड्स टू 0 है x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, लेकिन x आप इनफाइनाइट रखोगे y2 0 कहाँ आएगा? ये कंडीशन का मतलब है, ये दोनों कंडीशन। अब बताओ, जब आप x टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो y2 0 कहाँ आएगा? e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट कब आ सकता है? ये तभी पॉसिबल है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट y2 टेंड्स टू 0 तभी आ सकता है व्हेन आपका दोनों m1 और m2 दोनों नेगेटिव हो, समझ रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल, खुद सोचिए मन में आराम से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा एकदम ध्यान से, अभी सिंपल सिंपल वाली चीजें नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा, बस थोड़ी समझना है आपको, आराम से आ जाएगा। अगर आपका m1 0 से छोटा होगा, मतलब m1 नेगेटिव, यानी कि पावर नेगेटिव हो गई, और m2 भी 0 से छोटा माने नेगेटिव, या m2 नेगेटिव, e की पावर नेगेटिव हो गई, e की पावर क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। कोई डाउट हो बताइए भाई, तो बताओ सब क्या आ जाएगा? e की पावर जब नेगेटिव हो गई तो थोड़ी देर के लिए हम m1 लेस देन 0 है ना, m1 0 से छोटा है, m1 0 से छोटा है, चाहो तो आप यहाँ पर चाहो तो कर सकते हो भाई। तो मान लोगे लेट, मान लो m1 0 छोटा है, तो मान लो इसको माइनस का m1 कुछ मान लो जरा सा, कैपिटल m1 मान लो, और m2 भी 0 से छोटा है, तो m2 को मान लो कैपिटल m2 मान लो, ठीक है, जहां पर कैपिटल m1 कैपिटल m2 पॉजिटिव है, नहीं तो ये भी निगेटिव हो गए तो फिर प्लस हो जाएगा। अब जरा बताओ y2 कितना आ जाएगा? c1 e की पावर माइनस का m1x, c2 e की पावर माइनस का m2x। और जब आप x की जगह आप क्या रखोगे, जैसे ही आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ x की जगह इन्फिनिटी लोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, इसलिए y2 भी आपका टेंड्स टू 0 आ जाएगा। कोई ऐसा इसको ना समझ में आई बात, कोई ऐसा जिसको ये बात ना समझ में आई हो?
कोई ऐसा जिसको ना समझ में आए बताइए। इसका मतलब है आपका एम वन और एम टू दोनों क्या होना चाहिए, ये एम वन एम टू का मतलब ये दोनों नेगेटिव ही होने चाहिए तभी आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेम आप वाई वन के लिए भी कर सकते हो, हमने अभी वाई टू के लिए किया है, हम एक ही के लिए खाली वाई टू के लिए करेंगे और वाई टू से ही आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर करना चाहें तो वाई वन भी निकाल के सेम ऐसे वाई वन के लिए चेक कर सकते हो, लेकिन हम वाई वन के लिए नहीं चेक करेंगे, वो आप खुद करेंगे बाद में, वो भी जरूरत नहीं है, आप नहीं चेक करो कोई दिक्कत नहीं है। जो वाई टू के लिए आएगा वैसे वाई वन के लिए आएगा, अलग अलग के लिए तो दे नहीं रहा कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेन आपको क्या मिला, एम वन जीरो से छोटा है, एम टू भी जीरो से छोटा होना चाहिए तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो दिया उन्होंने। अब एम वन जीरो से छोटा है, एम टू भी जीरो से छोटा है, ठीक है याद रखना, इसको हटा दे रहे हम। अभी बात समझो, सिंस एम वन क्या दिया, क्या आया पीछे से, जीरो से छोटा, एम वन जीरो से छोटा होने का मतलब है ये जीरो से छोटा, एम वन की वैल्यू ये है, सही है, और एम टू भी जीरो से छोटा है यानी ये जीरो से छोटा, एम टू भी जीरो से छोटा है मतलब ये जीरो से छोटा, अच्छा इसको उठा के उधर भेज दो, जरा सा हटा दो उसको, तो जरा बताओ यहां से बी की ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा ये, उधर चला गया जीरो, ठीक है यहां से कितना आ गया जरा बताना भाई, ऐसे इधर करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कितना आ जाएगा बी माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए लेस देन जीरो, तो जरा बताना भाई क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर ये, तो बी लेस देन इतना, कोई डाउट हो बताइए इसका क्या मतलब हुआ, बी इससे कम है इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका बी क्या है इससे कम है ना, ऐसे करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब बी इससे छोटा है तो उसका स्क्वायर भी इससे छोटा, ठीक है एक सेकेंड, और यहां पर क्या होगा, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ नहीं वही तो, ये चीज गलत आई है यहां से, बिल्कुल ये चीज यहां से गड़बड़ आई है, ये हटा दीजिए, नहीं अरे सही है सही है मानवी, हम आपको एक बात बताए, नहीं नहीं ठीक है, हाँ सही है, बस यही तो चीज है, बिल्कुल सही, बस क्लियर हो गए यहीं से क्लियर है। आपको क्या दिख रहा है, यहाँ बी स्क्वायर में कुछ जुड़ रहा है तभी, तब भी ये छोटा है, इसमें नहीं जुड़ रहा है, ये वाला छोटा है, अरे सही तो लिखा, तो एक मिनट एक सेकेंड, आपका बी स्क्वायर जो है दोनों नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ अगर ए आपका नहीं, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं होगा, यहां तक हो गया ना, एक काम करो आप, एक काम करो थोड़ी देर मान के कुछ कर लो ज्यादा बेहतर है, चलो ए और बी दोनों नेगेटिव ले ले रहे हैं, एक बार दोनों पॉजिटिव ले ले रहे हैं, ऐसे देख के देख रहे कौन सा ट्रू है, चलो अगर हमने ए और बी दोनों पॉजिटिव ले लिया, ठीक है ऐसे कर लो, ए वन ले लिया और बी टू ले लिया यानी दोनों पॉजिटिव ले लिया, तो देखना दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसे करो ज्यादा बेहतर, वैसे दिक्कत कर रहा है समझने हमको, हम लोग को तो ए बराबर यहाँ रखना जरा सा वन, जब ए इक्वल टू यहाँ पर वन रखोगे आप तो क्या बन जाएगा देखना जरा, ए इक्वल टू वन बी बराबर टू, तो जाएगा टू लेस देन माइनस का टू, और यहाँ हो जाएगा बी की जगह दो यानी चार, और ए की जगह वन यानी चार, तो टू जो है वो लेस देन गलत है गलत है गलत है, टू क्या निगेटिव से कभी छोटा हो सकता है, गलत है, तो यहाँ इसका दोनों पॉजिटिव नहीं है, हटा दो, समझ में आ गया। अब एक काम करना, ए नेगेटिव कर लो और बी पॉजिटिव कर लो, अब क्या होगा जरा बताना, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, पहले यही वाला चेक कर लेना, तो ये आपका ऐसे हो गया बी स्क्वायर और ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ऐसे करा हमने, देख लो सब लोग, बी दो है और यहां पर भी बी दो यानी चार, ए चार में गए तीन, तो
फिर वही बात, बी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव नहीं, माइनस से कम नहीं आ जाएगा। फिर वही बात, फिर हटा दो, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, हटा दो। बी पॉजिटिव नहीं करोगे आप, हटा दो यहां से इसका। अब क्या करो, अब ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव रखोगे तो माइनस का टू, और यहां पर ए तो पॉजिटिव ही है तो ये हो जाएगा बी इसके बाद से चार, और यहाँ ए की वैल्यू रखोगे चार तो माइनस टू लेस देन चार, चार आठ का होता है तो टू रूट टू। नहीं देखो बी ए आपका क्या है, अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। माइनस टू क्या, कौन छोटा होता है? अरे भाई माइनस टू ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है ना माइनस में। अब दोनों को नेगेटिव करके देख लो। अब एक काम करो, दोनों को नेगेटिव कर दो, अब बताना देखना क्या आएगा। अब की देखो दोनों को नेगेटिव कर दो, तो जब दोनों नेगेटिव करोगे कितना आएगा जरा बताना भाई। बी की वैल्यू माइनस टू, और ये माइनस का इतना बी का स्क्वायर यानी चार, और ये हो जाएगा माइनस चार। ये बिल्कुल ठीक है, आ गया आ गया। चलो अगर सेटिस्फाई हो रहा है ना, माइनस टू जीरो छोटा होता है, बिल्कुल ट्रू है, माइनस टू जीरो छोटा ही होता है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ए भी जीरो छोटा बी भी जीरो छोटा। कोई दिक्कत तो कोई क्या हुआ, तो बगल वाला भी चेक कर दो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, बगल वाली सेटिस्फाई हो रही होगी। इसमें ए जीरो छोटा बी जीरो छोटा, इसमें भी रख के देखो जरा, बी की वैल्यू माइनस टू और यहां पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा वो तो। बी का स्क्वायर यानी चार, ए की वैल्यू माइनस है चार, और ये हो जाएगा चार में चार का जीरो, बिल्कुल सही है, ट्रू तो है ही। माइनस दो जो है जीरो छोटा है, माइनस दो जो है यहाँ पर जीरो छोटा है, बिल्कुल ट्रू है। यानी जब ए और बी दोनों नेगेटिव करोगे तभी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कोई डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन पूरा हो गया आपका, और कोई डाउट हो बताइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं तो टाइम लग जाता है भाई अब करने में, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन कराने में टाइम नहीं लगता, प्रीवियस ईयर में टाइम लगता है। किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू एक रख ले इसकी, हाँ ए और बी कौन बड़ा छोटा दिया ही नहीं मेरे ख्याल से आपको, बस रियल नंबर दिया। आप कुछ भी करिए, चेंज चेंज कर लीजिए, उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। कहीं लिखा है कि बी ऐसे छोटा है? नहीं, जीरो से छोटा करना है आपका, दोनों नेगेटिव होना चाहिए। अब चाहे ए बड़ा हो बी से, चाहे बी बड़ा हो ए से, उससे मतलब नहीं है आपको। आपको सिर्फ ए और बी दोनों नेगेटिव, और ए और बी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये कंडीशन ये है आपकी, चार ऑप्शन ये दिए थे आपको। और आपको इससे मतलब नहीं कि ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है ए से, आपको इससे मतलब नहीं है। आप उल्टा करके चेक कर लेना आराम से, ए बराबर माइनस टू कर देना, बी बराबर माइनस वन कर देना, तब भी आपको आ जाएगा। हम दोनों बराबर भी कर देना, अब अलग अलग करके चेक करना, ए और बी दोनों बराबर कर देना, ए भी माइनस वन ले लेना, बी भी माइनस वन ले लेना, तब भी आ जाएगा, तब भी ये ट्रू आ जाएगा। बस दोनों निगेटिव होंगे तभी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। चलिए और देखते हैं हम लोग। अभी फोर नंबर रोक देना, मैट्रिक्स वाला है, थोड़ा सा उसको रोक देना मैट्रिक्स वाला, कुछ लोग को गड़बड़ करेगा मैट्रिक्स वाला, कुछ लोग ने अभी वीडियो नहीं देखी होगी तो मैट्रिक्स वाला भी रोक देना। पांचवा नंबर पहले हम बता रहे, हाँ बोलिए। हाँ, बिल्कुल डेरिवेटिव, हाँ, भाई वाई वन का कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग होता है। आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है इनसे, हाँ अच्छा चलो, हम बताएंगे तो कर देंगे, हम खुद से पूरा कर देंगे। अभी रुक जाना, पहले यार छोड़ देना, पहले पांचवा देख लेना जरा सा। पांच नंबर क्या है भाई, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ओडी। आपका सिस्टम दिया हुआ है कि डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए वाई,
ये आपको दिया हुआ है, और वाई जीरो जो दिया है वो है आपका जीरो और वन। और टी जो है वो आपको कह रहा है जीरो से बड़ा है, जहां पर ए दे रहा है आपको माइनस वन, जीरो, वन और माइनस वन, और वाई टी का मतलब है वाई वन और वाई टू, वाई वन टी, वाई टू टी, ये आपको कुल मिला के दे रहा है। चार ऑप्शन है, वो बाद में करेंगे वाई वन वाई टू के बारे में। पहले तो इसको सिंपल नॉर्मली सॉल्व करिए, पहले ऊपर रख दीजिए डी वाई बाई डी टी बराबर ए की मतलब ए, ये पूरा लिखा है बोर्ड पे, ये ए है पूरा आपका माइनस वन वन जीरो और माइनस वन, और आपका मल्टीप्लाई में वाई वाई ये लिखा हुआ है आपका, वाई लिखा आपका वाई वन वाई टू। अरे टी के फंक्शन है बताने की क्या जरूरत बार बार, तो ये करते हो आपको मालूम ही क्या होता है। अच्छा वाई वाई की वैल्यू यहां भी रख दो जरा सा, डी वाई बाई डी टी में भी रख दो वाई, तो डी बाई डी टी ऐसे ही वाई की जगह क्या रख दोगे, ये वाला पूरा, वाई का मतलब है ये पूरा वाई वन और यहां पर वाई टू, ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा डी वाई वन बाई डी टी, और ये हो जाएगा डी वाई टू बाई डी टी, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस का वाई वन प्लस का वाई टू, ये जीरो हो गया, ये हो गया माइनस का वाई टू, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाता है, पता ही सबको, डी वाई वन बाई डी टी बराबर माइनस का वाई वन प्लस वाई टू, और डी वाई टू बाई डी टी इक्वल टू वाई टू माइनस का, सॉरी। अब इसको आप ये निकाल के बताइए इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, ये आप बताइए जल्दी सब लोग। अरे बड़ा आसान है, इससे वाई टू निकाल आएगा, यहाँ वाई टू यहाँ रख देना वाई वन आ जाएगा, जल्दी बताइए इससे सोल्यूशन क्या आ रहा है। हो गया, चलिए बताइए भाई y2 और y1 क्या क्या आ रहे हैं बता दीजिए। एक मिनट बोर्ड पे लिख रहा है, एक सेकंड रुकना, इसको इरेज कर दे, जीरो और वन अभी वो भी दिया है, उसको भी यूज करने कंडीशन हमें। चलिए हाँ, तो y1 क्या आ रहा है, ए की पावर माइनस टी ब्रैकेट में सी वन प्लस थ्री सी टू, टू सी टू, अच्छा सॉरी टी सी टू, और बस इतना ही ना वाई वन और वाई टू बोलिए। चलो ये आपका आ रहा है ना, हाँ बाकी लोग बताओ भाई। हाँ कांस्टेंट से फर्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट आगे पीछे अपॉन में मल्टीप्लाई में कुछ भी आए। चलो कंडीशन क्या दी है उसको भी यूज कर लो जरा, कंडीशन आपको दे रहा है क्वेश्चन में कि
चलिए अभी क्वेश्चन, ये कंडीशन दे रहा है आपको वाई जीरो इक्वल टू जीरो कॉमा वन, कंडीशन दे रहा है आपका वाई जीरो इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो, और सॉरी कॉमा कह रहे, वाई जीरो इक्वल टू जीरो और वन, ये दे रहा है कंडीशन आपको। तो वाई जीरो का मतलब कौन होता है पता है ना भाई, वाई जीरो का मतलब है, ये याद रखना भाई, आपको पता है वाई टी का मतलब क्या है, वाई टी का मतलब है वाई वन टी और वाई टू टी। तो वाई जीरो जब कहोगे तो पूरे में टी बराबर जीरो पुट कर दो, वाई जीरो का मतलब हो जाएगा वाई वन जीरो वाई टू जीरो। तो वाई जीरो का मतलब क्या है, वाई वन जीरो और वाई टू जीरो, और ये लिखा है आपका जीरो वन, ऐसे ही बराबर कर दो जरा, वाई वन जीरो इक्वल टू जीरो और वाई टू जीरो इक्वल टू वन। चलो अब ये ऊपर यूज कर लो जल्दी, सी वन सी टू, अब निकाल के जरा बताओ, बताना जरा क्या आ रहा है, वाई वन जीरो बराबर जीरो इसमें यूज करिए, वाई टू जीरो बराबर वन इसमें यूज करिए। चलो वाई वन जीरो कितना आएगा, इसमें टी जाए जीरो पुट कर दो, वाई वन जीरो आ जाएगा, ए की पावर जीरो वन, ये जीरो खाली सी वन बचेगा, तो सी वन हो जाएगा जीरो। वाई टू जीरो कितना आएगा, इसमें टी की जाए जीरो पुट कर दो, खाली सी टू, सी टू बराबर वन, बहुत आसान है, सी वन जीरो सी टू वन। अब बताओ वाई वन कितना आया, ए की पावर माइनस का टी, सी वन तो जीरो है सी टू वन है, तो खाली टी बचा, और वाई टू कितना आ गया, सी टू वन है तो ए की पावर माइनस टी, ये आपका हो जाएगा वाई टू। तो ये आपका हो जाएगा वाई वन और वाई टू। ये आपका वाई वन और वाई टू हो गया। अब आप बताना पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो वाई वन मोनोटोनिकली, वाई वन वाई टू दोनों मोनोटिकली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, कि वाई वन और वाई टू दोनों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा टी ग्रेटर देन वन के लिए, कि वाई वन और वाई टू दोनों मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा टी जीरो से बड़े के लिए, कि वाई वन और वाई टू जो है दोनों मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा टी वन से बड़े के लिए। भाई जीरो से बड़ा और वन से बड़ा जब कभी पूछे तो आपको डेरिवेटिव निकालना होता है, निकाल लो डेरिवेटिव इसका, भाई सॉरी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे फंक्शन को तो उसका डेरिवेटिव निकाल लो हमेशा, वाई वन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ये निकालने के लिए वाई वन का डेरिवेटिव निकालिए, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो बताओ क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकेंड का डिफरेंशिएशन सेकेंड ऐसे ही, बाकी ऐसे ही वन माइनस टी ई की पावर माइनस का टी, यह आ जाएगा वाई वन का डेरिवेटिव। ऐसे वाई टू का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, वाई टू का डेरिवेटिव आएगा माइनस ई की पावर माइनस टी। अब देखो जरा सा जहां पर आ जाओ मेन यहां पे, अब ये कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, भाई ये ई की पावर तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, बताओ भाई ये ई की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, ई की पावर कभी नेगेटिव आती ही नहीं, अरे भाई पावर में नेगेटिव है इससे नहीं है, मतलब क्या रहा है, पूरी वैल्यू जो होती है ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स यहां पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है, तो ये तो पॉजिटिव बचा कौन आपका वन माइनस टी, तो वन माइनस टी कब पॉजिटिव होगा, वन माइनस टी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, देखो एक बात है वाई टू ये तो हमेशा आपका ये कैसा होगा, ई की पावर वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर पहले भी देखो आसान है, ई की पावर वाला हमेशा पॉजिटिव लेकिन आगे माइनस लगाए तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, चाहे टी आप क्या ले लो, टी आप चाहे जीरो से बड़ा हो चाहे वन से छोटा, दो चीज दी उन्होंने जीरो से बड़ा और वन से बड़ा, टी आपका चाहे जीरो से बड़ा आ रहा होगा चाहे वन से बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टी आपका पॉजिटिव है जीरो से बड़ा हो चाहे वन से बड़ा हो दोनों ही का मतलब पॉजिटिव होता है भाई, दो कंडीशन दी आपको ऑप्शन में, टी जीरो से बड़ा टी वन से बड़ा, अब चाहे टी आपका जीरो से बड़ा होगा तब भी ई की पावर यही रहेगी आपकी, अब टी चाहे आपका वन से बड़ा होगा तब भी आपकी की पावर यही रहेगी, तो दोनों ही केस में आपका वाई टू डैश निगेटिव, वाई टू डैश निगेटिव का मतलब हो गया वाई टू आपका क्या हो गया, वाई टू आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग, वाई टू डिक्रीजिंग, शॉर्ट में लिख दिया डिक्रीजिंग हमने,
आगे सुनना जरा, अब वाई टू डिक्रीजिंग है, तो उन्होंने ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया है उससे पता चल रहा है कि वाई वन वाई टू दोनों इंक्रीजिंग होंगे या वाई टू एंड वाई टू दोनों डिक्रीजिंग होंगे। जो वाई टू डिक्रीजिंग आया है तो वाई वन भी डिक्रीजिंग ही होगा। और आपको पता है डिक्रीजिंग कब होता है? जब ये लेस देन जीरो हो। तो बताओ ये लेस देन जीरो कब होगा? अच्छा बताओ भाई जरा, भाई ये लेस देन जीरो कब होगा? भाई ये तो पॉजिटिव ही है, तो टी अगर आपका वन से बड़ा हो जाएगा तभी ये नेगेटिव आएगा। आराम से सोचना, बहुत ध्यान से, अब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये तो हमेशा पॉजिटिव, इससे मतलब ही नहीं है। टी अगर आपका वन से छोट वन से बड़ा होगा तभी तो आपका ये होगा भाई नेगेटिव। अगर टी वन से बड़ा नहीं होगा तो फिर ये नेगेटिव कैसे होगा? तब तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो वाई वन डैश पॉजिटिव, और वाई वन डैश पॉजिटिव तो वाई वन क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग। जबकि वाई टू डिक्रीजिंग है, गलत हो जाएगा। चार ऑप्शन उन्होंने इस तरह से दिए हैं कि चारों में वाई वन वाई टू का सेम नेचर है। वाई वन डिक्रीजिंग है तो वाई टू भी डिक्रीजिंग ही है, साफ एक साथ लिखा हुआ उन्होंने, एक साथ लिखा पूरा। वाई वन वाई टू दोनों इंक्रीजिंग, वाई वन वाई टू दोनों डिक्रीजिंग, सारे ऑप्शन में यही है। तो वाई टू डिक्रीजिंग है तो वाई वन भी डिक्रीजिंग ही होना चाहिए। और वाई वन डिक्रीजिंग कैसे होगा? जब अगर आपका टी वन से बड़ा होगा, जब टी वन से बड़ा होगा तो वन से बड़ा, वन में से वन से बड़ा नंबर घटेगा तो नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा जरा बताना भाई? वाई वन डैश नेगेटिव, वाई वन डैश नेगेटिव, तो वाई वन क्या हो जाएगा? वाई वन डैश नेगेटिव। अगर वाई वन डैश नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वाई वन हो जाएगा आपका कैसा? डिक्रीजिंग। तो यानी दोनों मोनोटोनी डिक्रीजिंग होगी, लेकिन कब? जब टी वन से बड़ा। अब बताओ कौन सा केस है? टी वन से बड़ा और दोनों मोनोटोनी डिक्रीजिंग। ऑप्शन है फोर नंबर, ऑप्शन ऑप्शन फोर। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। ऑप्शन नंबर फोर डी वाला सही है एकदम, फोर वाला ऑप्शन सही है। टी चौथे पांचवी पांचवी का फोर, ठीक है सही है। अभी रुकना जरा सा, जो क्वेश्चन कराना कराया अभी रुक जाना उसके आगे। अभी पहले मैच करता हुआ ये क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन देखना जरा सा, पहले जो सिमिलर क्वेश्चन है वो हम बता रहे, आगे एमसीक्यू का दूसरा देखना, एमसीक्यू का दूसरा। तब नोट्स ओपन कर लीजिए, अभी रुक जाना, अभी वो लाइन से नहीं बता रहे हम, अभी जो बताया है उससे मैच करता हुआ क्वेश्चन हम एक और बता रहे हैं, एमसीक्यू का दूसरा, इसलिए बता रहे क्योंकि मैच करता हुआ इस वजह से बता रहे हम। देखना जरा सब लोग, एमसीक्यू का दूसरा क्या है? डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, ये जून 2012 में आया हुआ है, ये जून 2012 में आया है नेट में। डी वाई बाई डी टी इक्वल टू है वाई, और वाई जीरो जो दे रहा है वो आपको कह रहा है टू और माइनस वन। ए दे रहा है आपको मैट्रिक्स है वो वन टू जीरो माइनस वन, और वाई दे रहा है आपको वाई वन वाई टू, ये आपका वाई है। तो देन आपको चार ऑप्शन है, कह रहा है वाई वन आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और वाई टू टेंड्स टू जीरो होगा जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। एक ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है वाई वन टेंड्स टू आपका जीरो होगा और वाई टू भी टेंड्स टू जीरो होगा जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। तीसरा ऑप्शन वाई वन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा और वाई टू टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, दोनों इन्फिनिटी होंगे जब एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी आएगा। चौथा ऑप्शन वाई वन और वाई टू दोनों टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होंगे जब एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा। यह है, दीज आर द फोर ऑप्शन जिनको हमें चेक करना है। आसान क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग जरा ऊपर वाले में रखो। हाँ हाँ तो अब तो हो ही जाएगा ये, क्योंकि डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कौन हो जाएगी भाई? हम कर दे रहे हैं डी बाई डी टी ऐसे ही, और वाई की वैल्यू कौन है? वाई होता है वाई वन वाई टू। अब एक्स का फंक्शन है ये, टी कहीं टी लिखा है कहीं एक्स लिखा है, कैसे पॉसिबल है भाई कि हमने गलत लिखा है? अलग अलग थोड़ी हो सकता है, ये एक्स है भाई, गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, एक्स है यहाँ पर, ठीक
चलो इक्वल टू क्या लिखा है, ए ए कौन है आपका, ए है 1 2 0 -1 और इनटू फिर वाई, वाई की वैल्यू यही है y1 y2, ये आ जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका डी वाई टू बाई डी एक्स, ये आपका हो जाएगा y1 + 2y2, 0y1 लिखते नहीं है, माइनस का y2, दोनों बराबर कर दोगे दो इक्वेशन बनेगी यहां से, डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये तो वही वैसे ही क्वेश्चन है, सेम वही सेम है क्या, सारी इक्वेशन सेम बन रही क्या, तत्काल ए और बी का फर्क आ गया हमें लग रहा, बाकी सेम बन रहा है सब, जो पीछे बन रहा था क्वेश्चन वही बन रहा है हमें लग रहा है, थोड़ा सा फर्क है बस। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, मालूम ही भाई इरेज कर रहे हैं इसको, इसको सॉल्व करोगे पहले ये वाला डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का वाई टू, ऐसे ले लोगे, ये तो डायरेक्ट है, सीधे सीधे इस तरफ ले आओ, तो डी वाई टू बाई वाई टू इक्वल टू माइनस का डी एक्स, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों तरफ, वाई टू का ये ऐसे हो जाएगा डी वाई टू बाई वाई टू और ये लिखा है माइनस का डी एक्स, हो जाएगा 1/y का होता है लॉग वाई और माइनस डी एक्स का हो जाएगा एक्स, कॉन्स्टेंट जोड़ देना लॉग सी वन, इसको उठा इधर ले लेना, तो लॉग वाई टू माइनस का लॉग सी वन बराबर माइनस एक्स, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा ये, लॉग एम अपॉन एन और इक्वल टू माइनस एक्स, तो बेस में कौन है ई, तो वाई टू अपॉन सी वन इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो वाई टू आपका हो जाएगा सी वन ई की पावर माइनस एक्स, वाई टू हो गया आपका, कोई डाउट हो बताइए, वाई टू की वैल्यू वहां रख देंगे वाई वन आ जाएगा, इतना लिखना। अब ये y2 जो निकला है उसको यहां रख दे रहे हम, तो जरा बताना क्या बन जाएगा आपका, ये तो ये हो जाएगा आपका डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल टू वाई वन ऐसे ही टू ऐसे ही, वाई टू की वैल्यू कौन है सी वन ई की पावर माइनस एक्स, इसको उठा के इधर ले लेना, तो डी वाई वन बाई डी एक्स माइनस का वाई वन इक्वल टू टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स, अब यार जैसे मर्जी हो वैसे करिए, चाहो तो आप उससे कर दो, कंपेयर कर दो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से, पढ़ा होगा आपने, तो पी कौन आ जाएगा माइनस का वन, क्यू कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स, तो आई एफ कौन हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा ई की पावर माइनस का इंटीग्रल पी डी एक्स, तो हो जाएगा ई की पावर माइनस का पी कौन है माइनस वन और डी एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा, ये आपका आ गया। अच्छा ये आपका संभाल के रख लो, जरा साइड में लिख लो, जरा वाई टू कौन आया था आपका, वाई टू आया था आपका सी वन ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है चलो याद रखना। हाँ ये आपका वाई, ये आपका ये पावर एक्स, फिर सोल्यूशन क्या होता था, वाई इंटू आई एफ, वाई की जगह वाई वन है तो वाई वन लिख देना, वाई वन इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी हो चुका, सी वन हो चुका है सी टू कर दो, तो वाई वन ऐसे ही आई एफ की वैल्यू कौन है ई की पावर एक्स, क्यू की वैल्यू कौन है, क्यू आपका ये बोर्ड पे लिखा ही है टू सी वन ई की पावर माइनस एक्स, आई एफ कौन है ई की पावर एक्स, कहाँ ये एक मिनट गड़बड़ हो गया है, ये गलत हो गया है, माइनस है पावर में यहां पर, सॉरी एक मिनट गलत हो गया हमसे, ये यहां पर माइनस है, अब सही है, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स होता है, पी माइनस वन रखोगे यही तो आएगा, गलत हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इतना चलता है भाई, आई एफ क्यू अब सही है, अब सही है, इरेज कर रहे इतना लिखना। तो वाई वन ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टू सी वन ऐसे ही e की पावर माइनस एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस टू एक्स, उसका इंटीग्रेट करो पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू और ये सी टू तो लिखा ही हुआ आपका, टू से टू कट जाएगा
तो वाई वन कितना आ जाएगा, उसको उधर के उधर भेज दो पूरा पूरा पूरा, एक पावर माइनस एक्स, तो हो जाएगा कितना आपका माइनस प्लस माइनस सी वन, या e की पावर कितनी बचेगी, माइनस एक्स बचेगी भाई। अरे इधर डिवाइड कर लेना, इतना कर सकते हो भाई, ये e की पावर एक्स बचेगा। तो ये आपका वाई वन हो गया, ठीक है। और वाई टू आपको पता ही है पीछे, सी वन e की पावर माइनस एक्स, ये आपका वाई टू था। कंडीशन क्या दी देखो जरा सा पीछे, एक मिनट भाई, कंडीशन क्या क्या दी हुई थी उन्होंने, वाई जीरो कंडीशन दिया है, कंडीशन दिया है कि वाई जीरो की वैल्यू जो है वो टू और माइनस वन है। वाई जीरो का मतलब कौन होता है जरा बताओ भाई, वाई जीरो का मतलब वाई वन जीरो वाई टू जीरो, है ना कि नहीं। अब बार बार नहीं लिख रहे, जब भी वाई जीरो की वैल्यू दी रही थी तो ऊपर वाला वाई वन जीरो, नीचे वाला वाई टू जीरो, ऐसे दी रही थी जब भी इस तरह कॉलम में। तो वाई वन जीरो टू हो गया, वाई टू जीरो कौन हो गया माइनस वन हो गया। अप्लाई कर दो जरा, वाई वन जीरो समझते हो, वाई वन जीरो का मतलब है वाई वन में एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, वाई वन जीरो का मतलब है वाई वन में एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, यहाँ एक्स का जीरो पुट करो कितना आएगा, ए की पावर जीरो वन, एक पावर जीरो वन, तो माइनस का सी वन प्लस टू सी टू प्लस सी टू। वाई टू जीरो कितना आएगा, वाई टू जीरो आएगा भाई, इसमें एक्स की जगह जीरो पुट कर दोगे वाई टू जीरो हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो पुट करो सी वन की पावर जीरो वन, खाली सी वन बचा, सी वन माइनस वन, यहाँ रख दोगे सी वन की वैल्यू माइनस वन, तो जाएगा प्लस वन प्लस सी टू इक्वल टू टू, तो सी टू भी हो जाएगा माइनस वन, रख दो ऊपर जरा जल्दी से यहीं पे। तो y1 कितना आ गया आपका, y1 हो जाएगा c1 की वैल्यू माइनस वन है, तो प्लस का c1 और प्लस का 1 हो जाएगा ये, e की पावर माइनस एक्स, c2 की वैल्यू माइनस वन है तो e की पावर x। अच्छा y2 कितना आएगा जरा बताना भाई, y2 हो जाएगा आपका e की पावर ये c1, c1 तो आपका माइनस है, e की पावर माइनस एक्स। चलो अब आगे y1 y2 निकल गया, अब करते हैं जरा हम लोग आगे। अच्छा आपको कह रहा है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ऑप्शन का चला गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y1 जो है इन्फिनिटी आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो x टेंड्स टू पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पहले ऑप्शन में x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिया गया है, तो पूरे में x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लो। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, लेकिन जब यहां पर लोगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ऐसे बनेगा, ये तो जीरो होता है e पावर माइनस इन्फिनिटी, लेकिन e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है ना, तो y1 कितना आ जाएगा आपका, y1 हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, y1 हो जाएगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो उन्होंने माइनस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ये वाला ऑप्शन आ जाओ, कभी कभी ऑप्शन एकदम एग्जैक्टली मैच नहीं करता, ये भी याद रखना। तो आप देखते हो कि आपका जो आंसर आया वो किस ऑप्शन के आसपास दिख रहा है आपको। अब देखो यहां पर आ जाओ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब यहां रखोगे, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो y2 आ जाएगा आपका जीरो। अब बारा बताओ उल्टा हो गया क्या आंसर, ये आंसर में गड़बड़ हो गई क्या यहां पर, इसी अरे हाँ यार इधर जाएगा वन ही तो आएगा, क्या यार कहां से हो जाता है, C2 वन है, ये प्लस का वन हो गया यहाँ पर, अब ठीक है। तो e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो प्लस का इन्फिनिटी, अब सही है, गलत था भाई थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया हमने यहाँ पर, ये इधर जाएगा टू माइनस वन वन हो जाएगा, चलो करेक्ट। तो y1 वन इन्फिनिटी वाई टू जीरो जीरो, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ऑप्शन पहला है, देखो चाहे मैच करा लो, ऑप्शन नंबर वन टेंड्स टू लगा दो, इक्वल नहीं लगाना ऐसे, तो y1 वन टेंड्स टू इन्फिनिटी और y2 टू टेंड्स टू जीरो, जब x टेंड्स टू क्या लिया आपने इन्फिनिटी। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मैच करता हुआ है, इसलिए बताया जो हमने पीछे पढ़ाया है अभी, ये क्वेश्चन उसी से मैच करता हुआ है। नहीं तो x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लोगे आप, तो x टेंड्स जब माइनस इन्फिनिटी लोगे तो प्लस नहीं हो जाएगी पावर, तो y2 फिर आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएगा। एक मिनट, जब x टेंड्स टू आप माइनस इन्फिनिटी लोगे, हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 आएगा, जब x टेंड्स टू आप इन्फिनिटी लोगे, x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लोगे तो बताओ y2 कितना आ जाएगा, y2 हो जाएगा माइनस 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 प्लस इन्फिनिटी, तो y2 हो जाएगा टेंड्स टू e पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी y2, जबकि y2 माइनस इन्फिनिटी कहाँ है उस ऑप्शन में, तीसरे में, तीसरे में y2 तो प्लस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी कहाँ है बताइए, नहीं है ना, तो ये नहीं मैच हो रहा है। और देखिए
और देखिए और कौन सा मैच हो रहा है, मल्टी करेक्ट है, एक से ज्यादा मैच हो सकता है, चेक करिए। नहीं हो रहा है बाकी तो ठीक है बस खत्म। मल्टी करेक्ट में चारों ऑप्शन चेक करना होता है, ऐसे क्वेश्चन मल्टी करेक्ट में आते हैं तो एकदम बहुत जल्दी से कर दिया जाता है, क्योंकि 4.5-5 नंबर मिल जाते हैं। मल्टी करेक्ट में 4.5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें 20 करने होते हैं भाई, जिनको ना मालूम फिर से बता दे, पार्ट सी में 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 20 करने होते हैं। चलो और जो क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकल पॉइंट वाला, वो तो मैं बताना भी नहीं पड़ेगा, आप खुद ही कर लोगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है चौथे नंबर में, आप खुद ही कर लोगे। चौथा नंबर और एक सातवां नंबर इसी का सिंगल करेक्ट में भी हमने दो तीन रोके हुए, हमने कहा ये जरा से जल्दी जल्दी से हो जा रहे हैं, इनको पहले कर लेते फिर उनको कर लेंगे हम, ये जल्दी जल्दी से हो जा रहे हैं इसीलिए पहले इनको कर लिया है। अभी सिंगल करेक्ट में दो तीन नहीं बताए हमने। तीसरा क्वेश्चन ये तो आप आराम से कर लोगे भाई, ये वाले मल्टी करेक्ट वाले सब इजी है भाई। पहला क्वेश्चन वो हमको बताना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमको बताना इसी का, तीसरा इसी का नीचे वाला है मल्टी करेक्ट का ना, मल्टी करेक्ट का। हाँ हाँ मैच नहीं हो रहा था, अच्छा ठीक है। दीपक क्या हुआ, मैच हुई आपकी? नहीं लगाया था, चलो अच्छा और लोग चेक कर लेना आपस में, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उठाएंगे बड़ा टाइम जाएगा, चेक कर लेना, तो फिर हम तो बता ही देंगे भाई, कोई बड़ी बड़ा काम नहीं है, कोई कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं इसमें, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, एकदम सिर्फ कैलकुलेशन ही अलग है बस। चलो बाकी आगे फोर्थ वाला तो हो ही जाएगा आपका, सबका हो जाएगा, फोर्थ वाला एकदम इजी है। फिफ्थ वाला, अरे चलो हम फाइव उठा ही ले रहे हैं, अरे क्या वजह है भाई, देखिए जरा सा, हम उठा ही ले रहे हैं फाइव नंबर, क्या वजह है, क्यों नहीं मैच हो रहा, देखते जरा। पहले हमने इजी इजी वाले हमने उठा ले पहले, वो टाइम लगेगा तो हमने पहले इजी इजी वाले कर लेते हैं, फिर वाले कर उधर वाले कर लेंगे सिंगल करेक्ट में। फाइव नंबर क्या है आपका, मल्टी करेक्ट का क्वेश्चन है ये दिया आपका, जो लोग लगा रहे हैं नहीं आता है तो जरूर पूछना, छोड़ मत देना, या बीएससी एमएससी नहीं है कि छोड़ दो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको जो हम कह रहे हैं उतना आपको हर हालत में पढ़ना है, जो हम कह दें हाँ नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं आता है वो आपको छोड़ना है बस, जो हमने कह दिया पढ़ना है तो वो पढ़ना है आपको, हर हालत में लगाना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है, इनके क्वेश्चन गेट गेट सबके लगवा दे रहे इसीलिए हम, सीधा सा क्वेश्चन है बस, आपको एक्सट्री निकालना और कुछ नहीं, मतलब इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व करके पूरा आपको एक्सट्री निकालना है। अच्छा एक्सट्री क्या आएगा पूछ रहा है, चलो पहले सॉल्व करते सिंप्लीफाई करते हम, पहले इनको जानते हो भाई, पहले ये वाली सॉल्व कर लो आसान है, पहले ये वाली उठा लेना, दूसरी वाली ये पहला है ये दूसरी क्वेश्चन मान लो, तो पहले दूसरी वाली उठाइए जरा, फ्रॉम टू, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू है माइनस का वाई, तो ये आपको आता ही करना, अभी पीछे करा चुके हैं तो हमने, ये आगे था माइनस का डी टी, दोनों तो इंटीग्रेट करा था, ये आगे था माइनस का टी सॉरी लॉग टी सॉरी लॉग वाई, और ये हो गया था प्लस का लॉग सी वन, और ये आपका कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पीछे करा चुके हैं वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस टी सी वन, ये आपका वाई, फिर ये यहां रखेंगे हम लोग, मालूम ही आपको, तो डी एक्स बाई डी टी इसमें रख देते हैं, यहां पर ये वैल्यू इसमें रख देते हैं, मालूम पीछे भी कराया था हम लोगों ने, पीछे हम लोगों ने करा था डी एक्स बाई डी टी, ये लिखा है माइनस का एक्स, वाई की वैल्यू कौन है सी वन की, अच्छा टी, हाँ टी तो है सी वन की पावर माइनस टी, ये आपका इधर आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस का एक्स प्लस का सी वन की पावर माइनस टी, ये कौन सा बन रहा है भाई, ये बन रहा है आपका डी एक्स बाई, याद है ना डी वाई बाई डी एक्स वाला नहीं उल्टा वाला, दोनों दूसरा ये आपने ये पढ़ा ना डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू, यही फॉर्म तो बन रही है ये, तो पी कौन हो जाएगा, बस यहाँ पर वाई है, ये उल्टा कर दो जरा सा, बाई डी एक्स बाई डी टी कर दो यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स कर दो, तो पी कौन हो जाएगा कंपेयर करो वन, क्यू कौन हो जाएगा सी वन ई की पावर माइनस टी, पी और क्यू हो गया, ठीक है
अब आप कोके क्या निकालते हो, आई एफ, आई एफ होता है इंटीग्रल ई की पावर पी डी टी, डीएक्स नहीं करना, नीचे कौन सा वेरिएबल है टी, तो यहाँ डी टी रहता है नीचे, यहाँ पर जो वेरिएबल होता है डिफ्रेंसिएशन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है इक्वेशन में, वो यहाँ पर लिखते हैं डी टी है तो नीचे डी टी है तो यहाँ पर टी लिखोगे, तो पी की वैल्यू कौन है वन, डी टी का टी, आगे क्या होता है जरा बताना भाई, एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू भाई, भाई ऊपर एक्स है तो यहाँ पर एक्स लिखोगे, अब एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स नहीं डी टी लिखोगे प्लस सी, पता है ना क्यों, सी वन हो चुका है सी टू कर दो, तो एक्स ऐसी आई एफ की वैल्यू की पावर टी, क्यू कौन है आपका, क्यू है आपका सी वन ई की पावर माइनस टी, और आई एफ कौन है वो है आपका ई की पावर टी डी टी प्लस सी टू, ये हो जाएगा ई पावर टी, तो खत्म हो जा रहा है माइनस टी प्लस टी, बहुत सही, ये तो आपको खत्म, खाली क्या बचा सी वन टी डी टी का टी प्लस सी टू और ये एक्स, तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा ई की पावर टी लिखा था भाई, एक्स आ जाएगा आपका सी वन प्लस सी टू और सी वन टी प्लस सी टू टी और ये लिखा आपका ई की पावर माइनस का टी, ये चीज लिखी है, ये आपका एक्स आ गया। अब कंडीशन लगा के सी वन सी टू निकालो, आ रहा है ना, जिनका नहीं हुआ है बता दे भाई, आ रहा है ना, चलो ठीक है भले, वेरी गुड, चलो मेरे बताने से डर गया क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा कर दिया तो दो लाइन और कर ही दे, क्या है, तो y x जीरो वन दे रहा है और y जीरो भी आपको वन दे रहा है, चलो x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी थी, y आपको बताइए कितना था, y था आपका सी वन e की पावर माइनस टी, तो y जीरो का मतलब कौन होता है, इसमें x की जगह पूरे में जीरो पुट कर दो, सॉरी t की जगह, t है ना, t का फंक्शन है, तो एक पावर जीरो वन और वाई जीरो वन, तो सी वन की वैल्यू वन, एक्स जीरो का मतलब कौन, अरे भाई एक्स की वैल्यू में, एक्स जीरो मतलब एक्स की वैल्यू में टी की जगह जीरो पुट कर दो, टी की जगह जीरो पुट करोगे एक पावर जीरो वन और यहाँ जीरो खाली क्या बचेगा आपका, सिर्फ आपका सी वन ही बचेगा, फिर एक बार सी वन वन, सी टू नहीं निकलेगा, सी टू नहीं निकलेगा तो कहोगे सी टू इज आर्बिट्रेरी, सी टू इज आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब कौन होता है, कुछ भी जो नहीं निकलता है वो आर्बिट्रेरी कहते हैं, क्या हुआ, अरे सी टू निकल रहा है का, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कहाँ गड़बड़ हो गए, अरे वाई वाले में तो सी वन माना था हमने, यहां सी टू माना हमने, अरे हमने तो यहाँ सी टू माना, आपने उल्टा कांस्टेंट माना, क्या हुआ, हमने वाई में सी वन माना था, कहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ भाई जरा सा, कहाँ गलती हुई, अच्छा हाँ सी वन के साथ टी है ना मल्टीप्लाई में, चलो भाई ध्यान ही नहीं दिया हमने, सही बोल रहे भाई, ये सी वन के साथ टी है, हमने सी टू के साथ टी लिख दिया है, सी वन टी और ये सी वन टी प्लस सी टू था भाई, देखो यही होता है, तो अब तो आ ही जाएगा दोनों, मैं लग रहा था सी टू आर नहीं निकला, आर्बिट्रेरी हो जा रहा है, चलो सी वन की वैल्यू वन और जब यहाँ पर आपका एक जीरो निकालोगे तो ये खत्म हो जाएगा, एक पावर जीरो वन ये भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ सी टू बचेगा, तो सी टू की वैल्यू हो जाएगी वन, सी वन सी टू दोनों वन हो गया, ठीक है, तो आप देखो एक्स कितना आ गया, फिर आपका एक्स आ गया सी वन सी टू वन पुट करोगे तो एक्स हो जाएगा आपका टी प्लस वन, यहाँ रख दो सी वन सी टू वन, टी प्लस वन ई की पावर माइनस टी, और वाई कितना आ जाएगा जरा देखना भाई, वाई आ जाएगा आपका यहाँ पर रख दो, वाई वाई कितना था, वाई यही तो था पीछे लिखा, प्रूफ किया हम लोगों ने, वाई निकाला हम लोग ने पीछे, सी वन की वैल्यू वन, ई की पावर माइनस टी, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा चेक करना है आपको, ई की पावर माइनस टी एक्स टी कितना होगा भाई, ये तो आ ही गया ना, एक्स टी कितना होगा, ऑप्शन तीन नहीं आ रहा है, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा मैच हो रहा है और ऑप्शन तीसरा हो गया है क्योंकि एक्स टी की वैल्यू दे रहा है, अब और कोई ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है वो आप चेक कर लो, कह रहा है एक्स टी की वैल्यू जो होगी
की, हाँ e की पावर माइनस टी प्लस टी बाई टी होगी। एक मिनट इसको पूरा लिख दे रहे, रुक ना भाई। चलो भाई सबको इतनी जल्दी से नहीं समझ आ जाता है तो इसलिए हम कर भी दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन ये पूछ रहा है e की एक्स टी की वैल्यू कह रहा है ये होगी क्या, एक्स टी मतलब या एक्स कुछ भी कह लो, इसकी वैल्यू कह रहा है ये होगी पावर माइनस टी प्लस कट्टी वाई एक्स टी, और ये वाई टी लिखा उससे मतलब नहीं। अच्छा ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें आप वैल्यू रख के देख लो, खुद ही दिख जाएगा आपको। अभी देखो ये आपका ऑप्शन ट्रू है कि नहीं, दोनों तरफ एक्स और वाई की वैल्यू रख लो, सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑप्शन ट्रू है। एक्स की वैल्यू कौन है, टी प्लस वन टी की पावर माइनस टी, और ये कितना है पावर माइनस टी ऐसे टी ऐसे। वाई की वैल्यू कौन है, ए की पावर माइनस टी, देखो दोनों सेम ही तो लिखा है, दोनों सेम ही तो लिखा है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू है, ऑप्शन वन भी ट्रू है, ऑप्शन वन भी ट्रू है। और देखो जरा सा, अब कह रहा है एक्स टी जो है वाई डबल डैश टी के बराबर है, वाई डबल डैश टी करोगे तो एक्स टी कभी आएगा, ऑप्शन वाई डबल डैश टी जो है ऑप्शन तीसरा तीसरा नंबर है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो एक्स टी है वो वाई डबल डैश टी के बराबर है। y डबल डैश t का मतलब समझ रहे हो ना, y का दो बार डिफरेंशिएशन, क्या y का दो बार डिफरेंशिएशन करो जरा कितना आएगा जरा बताओ। पहली बार करोगे तो एक पावर माइनस टी, दोबारा फिर करोगे तो एक पावर माइनस टी एक्स टी ये आ रहा है, जबकि एक्स टी तो ये था ना, तो रॉन्ग, ऑप्शन टू इज रॉन्ग, ऑप्शन टू गलत है। और कोई डाउट बताइए। अब ऐसे ही आगे आखिरी वाला फोर नंबर ऑप्शन भी गलत है, एक्स टी की वैल्यू माइनस वाई टी, कहां भाई एक्स टी अलग है वाई टी अलग है, ऑप्शन फोर नंबर में कह रहा है, तीसरा तो ट्रू हो ही चुका है, वो तो डायरेक्ट एक्स टी आया था, वही वही हो गया, कह रहा है एक्स की वैल्यू माइनस वाई है, वही माइनस वाई टी या वाई, क्या ऐसा है, ट्रू है कहीं ये भाई, एक्स कौन है आपका, एक्स तो आपका ये है और वाई तो आपका ये है, कहां ये बराबर है, दोनों अलग अलग है, रॉन्ग, तो ऑप्शन फोर भी रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही है, मल्टी करेक्ट है तो इसमें दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, तीन भी सही हो सकते हैं, चार भी सही हो सकते हैं, पांचों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, इसमें मल्टी करेक्ट वाला जो होता है एग्जाम में पौने पांच नंबर का आता है, नेट में एग्जाम में पौने पांच नंबर का आता है क्वेश्चन, तो इसलिए चलो ठीक है भाई। अब और क्वेश्चन करना भाई, लगभग 8 बज रहा है तो और क्वेश्चन को करिएगा और हमें जो दिक्कत हो वो बताइएगा। अभी जो क्वेश्चन आए लगभग सभी हो जाएंगे, अब बस करिए एक दो क्वेश्चन भाई सिंगल करेक्ट वाला है वो हमको क्लियर करना है आपको, ठीक है, और कुछ भी नहीं, बाकी सब एकदम आसानी से हो जाएगा। करिएगा जरूर, लगाइएगा जरूर, हर हालत में जो प्रॉब्लम हो हमसे पूछिएगा जरूर। चलो आज के लिए खत्म कर रहे क्लास हम।